नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। विधानसभा गणित की इस खास सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं दादरी विधानसभा सीट को लेकर। वर्तमान में दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान सिटिंग MLA हैं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को दे दिया था। बात करें आंकड़ों की तो पिछले तीन लोकसभा चुनाव में दादरी से साल 2014 और 2019 में भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह विजयी रहे, मगर साल 2024 में बाजी पलटी और यहां से कांग्रेस के राव दान सिंह जीत कर निकले। बात करूं पिछले तीन विधानसभा चुनाव की तो साल 2009 में दादरी से हजका के टिकट पर सतपाल सांगवान जीते, साल 2014 में इनेलो के राजदीप फोगाट ने बाजी मारी और साल 2019 में ये सीट निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर सांगवान के नाम रही। लेकिन अब बात आती है कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव में दादरी का विधायक कौन बनेगा। हल्के में चल रही हवा की बात करें तो आज के दिन दादरी में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी कभी भी इस गेम को पलट सकती है। अगर दावेदारों की बात करूं तो भाजपा में पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान, बबीता फोगाट और सुनील डूडीवाला सरीखे नेता टिकट की लाइन में सबसे आगे हैं। बात करें कांग्रेस की तो वहां सोमवीर सांगवान, सुरेंद्र परमार और अजीत फोगाट, ये तीनों नाम टिकट के सबसे मजबूत दावेदार हैं। उधर JJP में राजदीप फोगाट, प्यारेलाल लांबा और लक्ष्मी बलोदा टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। वहीं बात इनेलो की करूं तो वहां जय भगवान ठेकेदार, आनंद शोराण और राहुल मराठा, ये तीनों नेता टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं। अंत में अब हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की तो वहां धनराज कुंडू, शिवेंदर उर्फ रिम्पी फोगाट और महेश गुप्ता, ये तीनों नेता टिकट की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। तो दादरी विधानसभा में टिकट लेने वालों की एक लंबी लाइन है, हर एक दल के पास तीन से चार नेता टिकट की दौड़ में हैं। ऐसे में अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि दादरी विधानसभा में कौन सी पार्टी और कौन सा नेता आज के दिन सबसे मजबूत है और कौन ये सीट निकाल सकता है। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम एक नई विधानसभा की बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उस हल्के में, उस विधानसभा में किसकी स्थिति आज के दिन बेहतर है और कौन वहां से बाजी मार सकता है, साथ ही आंकड़े किसके पक्ष में दिखाई देते हैं। आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।